हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो? दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है इस समय हमारे शहर में, और जैसे आप देख रहे हो सारी मार्केट बंद है, फिर से बंद है। शाम को 6 बजे हमारी बंद हो जाती है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें और मतलब मेडिकल आइटम की खुली हुई है। और इसी बीच में हमारे दो NID2 के ए ब्लॉक में सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में आया हूँ, और यहाँ की बड़ी मतलब महानता है कि यहाँ पे जो आता है उसके सारे काम बन जाते हैं। तो आज मैं इधर ही आया हूँ और आपको यहाँ के दर्शन करवाता हूँ। आइए हमारे साथ। तो दोस्तों देखो, मैं इस मंदिर में आया हूँ और बहुत ही प्यारा मंदिर है। मैं यहाँ पे पहले भी अक्सर आता रहता पर अब बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ आज। जय हनुमान। बार सीता जी को हृदय से लगाया। माता को शिव्या सीता जी को अपने गले से लगाकर बहुत प्रकार की शिक्षाएं दे रही है। सीता जी को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बार बार अपने हृदय से लगा रही है कौशल्या माँ। और सीता जी भी बार बार सासू माँ के पैरों में गिर रही है, उन्हें प्रणाम कर रही है। बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। सीता जी को आज्ञा मिल गई साथ में जाने की। लक्ष्मण जी प्रभु राम को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लक्ष्मण जी को जब पता लगा तो लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के दौड़े, प्रभु राम के पास दौड़ करके आए। शरीर कांप रहा है जैसे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और वो परेशान रहे। उसी प्रकार लक्ष्मण जी परेशान हो गए, भैया राम मर जाएंगे। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। प्रेम से अधिक होकर उन्होंने राम जी के जाकर के सरों को पकड़ लिया जोर से। जब प्रेम हो तो जोर से पकड़ा जाता है। बिछड़ने का डर लगा लक्ष्मण जी को कि छोड़कर चले जाएंगे। लक्ष्मण जोर से पकड़ा, जोर से पकड़ लिया। आंखों से आंसू की धारा बह रही है। आंखों से आंसू बह रह करके प्रभुराम जी के चरणों में गिर रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते। प्रभुराम खड़े खड़े देख रहे हैं। लक्ष्मण जी की वो हालत हो गई जैसे मछली को जल से निकालकर बाहर दिया जाए, वो तड़पे जल में जाने के लिए। लक्ष्मण जी सोच रहे मन में, हे विधाता क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख सारा पुण्य खत्म हो गया?
लक्ष्मण जी परेशान बनी कर भी सोच रहे हैं पता नहीं रघुनाथ जी मुझे क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। प्रभु रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को देखा कि लक्ष्मण शरीर तथा घर से सभी से नाता तोड़े हुए बैठी हैं। साफ साफ पता लग रहा था कि लक्ष्मण जी नहीं रहना चाहते अयोध्या में। तब नीति में निपुण और शीर प्रेम सरलता सुख के सबूत प्रभु रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, हे तात, सुनो। तात प्रेम बस जान कर समझ हृदय परिणाम बोले राम बचन नई नागर औसील सने सरल सुख सागर। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझ कर तुम प्रेम। देखो ये जो हॉल बन रहा है इसका बाहर से कुछ काम चल रहा है और इसका क्या रिनोवेशन हो रहा है और जब बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। इस मंदिर में कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, बहुत टाइम से चल रहा है। देखो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम चल रहा है और इस मंदिर का ना आंगन बहुत बड़ा है। ये देखो इतना बड़ा आंगन है इसका और इसका बेसमेंट भी है इस मंदिर के अंदर। ये देखो इसके नीचे हॉल वगैरह है जहाँ पे जागरण वगैरह चीज़ें होती रहती हैं और बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ भी कितना बड़ा अच्छा ओपन स्पेसेस है, यहाँ पर ओपन स्पेसेस हैं। देखो यहाँ से इतना अच्छा मंदिर लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है और आगे से भी बिल्कुल सेम ऐसे बनेगा वाइट वाइट। और इसके मतलब नीचे हॉल है जहाँ पे कभी कोई फंक्शन हो या कुछ जागरण हो यहाँ पे हो सकता है और कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है। और यहाँ पे हलवाइयों के बैठने की का स्थान है और यहाँ पे किसी की मैंने शादी या कोई और फंक्शन वगैरह भी हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। देखो इसकी मतलब साइड से भी एंट्री है, एक छोटा गेट लगा हुआ है राइट हैंड साइड को। ये जब कोई फंक्शन वगैरह होता है उस समय ही ओपन करते हैं ताकि यहाँ से आ सके, इधर से लोग आ सकें। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे सारी चीज़ें। ये देखो एक एक मतलब खनि का भी यहाँ पे स्थान बना रखा है। देखो मतलब खनि देव की एक मतलब फ़ोटो है यहाँ पे और श्री शनि चालीसा भी है यहाँ पे। देखो जय जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव। कितना अच्छा और प्यारा मंदिर बन रहा है, एक भव्य मंदिर बन रहा है यहाँ पर। मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर आओ और यहाँ एक बार आके जरूर यहाँ के दर्शन करो ताकि आपको बहुत ही अच्छा फील हो और आपको आध्यात्मिक सुख का एहसास हो। यहाँ पर एक छोटा सा एक मंदिर और है, जय जय शिव शंकर,
आरती शिव जी की। छोटा सा मंदिर और भी है यहाँ पे, और ये बाहर मेन मंदिर है, तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और आप भी यहाँ पर आओ और आध्यात्मिक सुख का एहसास करो। देखो यहाँ पे माँ बेटी भी आते हैं और वाहेगुरु का, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आप भी यहाँ पर आओ और वाहेगुरु का सुख प्राप्त करो। सिद्धपीठ हनुमान मंदिर। जय हनुमान जी की, जय सारे देवी देवताओं की। तो कहते दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने सर्कल में से शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बाय।